कला और सनावड़ा को क्रमोन्नत किया। मैं आपका ध्यान बिंदु संख्या 9 के तहत दिलाना चाहता हूँ। बजट के बिंदु संख्या 9 के अंदर ये प्रावधान किया गया है, इसको गौर से सुनना, कि 2 वर्ष में प्रत्येक विधानसभा में 20-20 हैंडपंप और 10 ट्यूबवेल सेंक्शन किए जाएंगे। 2 वर्ष में, 1 वर्ष में नहीं किया गया। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी पिलानी विधानसभा क्षेत्र है, उसके अंदर नड़ ग्राम पंचायत है, उसके अंदर 16 ट्यूबवेल है, उसमें से 13 ट्यूबवेल सूख चुके हैं। देवरोड ग्राम पंचायत है, उसके अंदर 9 में से 7 ट्यूबवेल सूख चुके हैं, और वो सूखे हुए ट्यूबवेल हैं उनके जगह दूसरे ट्यूबवेल बनाने का जो प्रस्ताव भेजा है वो आज तक क्या की सेंक्शन नहीं किया गया। इसी के साथ उसके 16 ट्यूबवेलों में से कुछ ट्यूबवेल हैं वो TSS स्कीम के तहत सेंक्शन कर दिए, जब उसके पास जाते हैं विभाग के पास, जलदाय विभाग के पास, वो कहते हैं ग्राम पंचायतों के ट्यूबवेल हैं। ग्राम पंचायत ये कहती है कि हमारे पास बजट नहीं है, 7 महीने से किसी प्रकार का बजट आउंटर नहीं हुआ है। आज वहाँ ये स्थिति है, लोग पानी के लिए तराई तराई कर रहे हैं, टंकियों पे चढ़ रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, लोगों को कई आंदोलन करना पड़ रहा है। तो ऐसी क्या कि भयंकर स्थिति पानी की है कि वहाँ पिलानी विधानसभा के अंदर पानी का जो टैंकर है उसको 3 दिन पहले बुकवाते हैं, उसके बाद में पानी मिलता है। आप क्या कि दूध क्विंटलों में ले लीजिए मिल जाएगा, आपको क्या कि घी मिल जाएगा, तेल मिल जाएगा, तुरंत शाम तक पहुँच जाएगा, लेकिन जब पानी की बारी आती है तो 3-3 दिन तक टैंकरों से पानी नहीं मिलता है। ये आज हमारे लिए बड़े श्रम की बात है। आगे मैं निवेदन करना चाहूँगा, माननीय सभापति महोदय, पिलानी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसके अंदर लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर ग्रामीणों ने 10 जगह चुनाव का बहिष्कार इसलिए किया गया कि पहले हमें पानी का हक और अधिकार दो, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है। और उसको देखते हुए ये किया गया कि चुनाव का बहिष्कार किया गया, गरीब किसान मजदूर है उनके पास टैंकर मंगवाने के लिए पैसे नहीं है। तो आप लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं कि लोग वहां के हैं वो पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, केवल और केवल पानी के भाव के अंदर। अतः मेरी इस सदन से मांग है कि जो हैंडपंप के प्रावधान किया गया है, माननीय सभापति महोदय, शेखावाटी का जो क्षेत्र है वहाँ क्या कि नासा की रिपोर्ट है, सबसे ज़्यादा भू जल स्तर यदि कहीं नीचा गया है तो वो शेखावाटी और विशेष रूप से पिलानी क्षेत्र के अंदर गया है। वहाँ हैंडपंप काम नहीं करते पूरी शेखावाटी के अंदर। तो मेरी आज सभापति आपके माध्यम से निवेदन है कि उन हैंडपंप के स्थान पे ट्यूबवेल सेंक्शन कराने का आप क्या कि प्रावधान करें। इसी के स्थान पर पिलानी के अंदर यमुना जल का जो पानी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहाँ गए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि हमने समझौता कर लिया और 4 महीने के अंदर इसकी DPR बन जाएगी। वो 4 महीने की अवधि 17 जून को समाप्त हो गई, आज तक क्या कि DPR नहीं बनी। केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री ने केवल सदन को झूठ नहीं किया, पब्लिक मीटिंग के अंदर ये किया, ये बड़े शर्म की बात है। तो मैं निवेदन करता हूँ, जब तक यमुना का पानी की व्यवस्था नहीं होती है, कुंभाराम लिफ्ट योजना उसके द्वारा पानी की व्यवस्था किया जाए। जब तक कुंभाराम लिफ्ट की योजना का व्यवस्था नहीं होती है, जो ड्राई ट्यूबवेल है प्रत्येक क्या कि 122 ग्राम है, उसके अंदर 64 ढाणियाँ हैं, 3 नगरपालिका हैं, ऐसी कोई जगह नहीं, जगह जगह पानी की क्या कि सूख गए। तो ड्राई जो ट्यूबवेल है उनके अगेंस्ट क्या कि तुरंत नई स्वीकृति दिलाए जिससे जनता को क्या कि राहत मिले। इसी के साथ मैं आगे निवेदन करना चाहूँगा, जो किसान है उनके पीने के लिए पानी नहीं है तो उनके खेतों के अंदर कुंड बनाने के लिए अनुमत किया जाए और उसको अनुदान दिया जाए जिससे वो कम से कम कृषि के लायक तो नहीं, पीने के लिए पानी तो रहे और वो क्या कि जिंदा रह सके, पलायन को मजबूर नहीं हो।
अभी पिछले दिन आप लाइट की बात करे थे, कूपर बंद की बात करे थे, जितना बिजली का परेशानी इस गर्मी के अंदर हमने देखी आज तक के कभी नहीं देखी। पूरी पूरी रात क्या कि मात्र एक एक घंटे बिजली दी गई जिससे न किसान काम कर सका, गर्भवती महिलाएं थी सभापति महोदय जिनका क्या कि डिलीवरी के अंदर थी उनको भी। माननीय सभापति महोदय, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप परिवर्तित बजट वो बंद किया जाए 2024 शिक्षा के अंदर आप जो बात कर रहे हैं, मैं अभी कंक्लूड कर रहा हूं सभापति, केवल एक मिनट मुझे 10 मिनट में आपको अपनी बात कहनी है।